हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय कुमार। सो दोस्त, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे मुश्किलें और ऐसी परेशानियां आई होंगी जो आपको मैं एक ऐसे पक्षी की बात बताने वाला हूं, ऐसे पक्षी के मुश्किलें परेशानियां मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपसे, जो पक्षियों का राजा माना जाता है बाज। एक ऐसे बाज की कहानी दुख तकलीफ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस परेशानी दुख तकलीफ ये वीडियो में बताया गया उस बाज का। सो दोस्त, ऐसे दुख तकलीफ और परेशानी आप किसी वीडियो में नहीं देखेंगे। सो दोस्त, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो दोस्त, बताना चाहेंगे आपके आने वाले जीवन में ये वीडियो बहुत काम आएगा। सो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जितने भाई बहन जितने लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे ऐसे बहुत सारे कहानियाँ और ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने लेकर आने वाली। सो दोस्त, बताना चाहेंगे दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बाज सभी पक्षियों का राजा माना जाता है। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि बाज के जीवन में भी एक ऐसी मुश्किल घड़ी आती है जब उसका जीवन दाव पे लगा रहता है। सो दोस्त, बताना चाहेंगे 40 साल जब बाज का होता है, सो दोस्त बताना चाहेंगे कि बाज का पंख काम करना बंद कर देते हैं। बाज का जो पंख होता है वो काम करना बंद करता है, वो एक दूसरे जगह उड़ के नहीं जा सकता। बाज के पंख कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ के नहीं जा सकता, एक जगह से दूसरे जगह उड़ के वो नहीं जाता। तो दोस्त, बताना चाहेंगे कि बाज के नाखून काम करना बंद कर देते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। बाज के नाखून कमज़ोर पड़ जाते हैं बाज के, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। सो दोस्त, बताना चाहेंगे बाज के चोंच भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार को अपने मुंह में दबा नहीं पाता। सो दोस्त, बताना चाहेंगे ऐसे मुश्किल हालात में बाज के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा रहता है। ऐसे मुश्किल हालात में दोस्त, बताना चाहेंगे बाज के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा रहता है, या तो वो फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो अपने को खुद को बूढ़ा घोषित करके वो मरने का इंतजार करे। सो दोस्त, बताना चाहेंगे बाज के पास जो पहला ऑप्शन होता है, या तो खुद को वो बूढ़ा घोषित करके मरने का इंतजार करें, या तो उसके पास दूसरा जो ऑप्शन होता है। सो दोस्त, बताना चाहेंगे अपने दूसरे ऑप्शन जो होता है, सो दोस्त बताना चाहेंगे कि अपना नाखून, चोंच और पंख तोड़ दे, ताकि कुदरत प्राकृतिक उसे नए चोंच नाखून और पंख दे। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज ने अपना दूसरा ऑप्शन चुना। बाज ने दूसरा ऑप्शन चुना। दोस्त, बताना चाहेंगे बाज अपना नाखून और चोंच पत्थर से मार मार के तोड़ देता है, बहुत दुख तकलीफ परेशानियों से। सो दोस्त, पत्थर से मार मार के अपना चोंच नाखून तोड़ देता है। सो दोस्त, बताना चाहेंगे फिर कुदरत उसे नया चोंच नाखून देता है, कुदरत उसे नया चोंच और नाखून देते हैं। सो दोस्त, बताना चाहेंगे फिर अपने दोनों पंख, अपने नाखून से अपने चोंच से पंख दोनों तोड़ के फेंक देता है। बहुत मुश्किल हालात घड़ी में, बताना चाहेंगे दोस्त, जब वो अपना पंख तोड़ता है तो खून से लथपथ हो जाता है। सो दोस्त, 6 महीने की दर्द परेशानी से एकदम बेचैन रहता है बाज। समझता है, बाज को पता रहता है कि दोस्त की मैं ये 6 महीना दर्द परेशानी में काट के अगर बिता लेता हूँ, तो आने वाले जो मेरे 30 साल हैं मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से बिताऊंगा। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि 6 साल बाद बाज के नए पंख और नए चोंच और नए नाखून आ जाते हैं। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि बाज को पता रहता है कि मैं अगर ये 6 महीने दर्द काट के बिता लूँगा, तो आने वाले मेरा 30 साल बहुत अच्छे से बीतेगा। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि इस कहानी से आपको एक प्रेरणा ज़रूर मिलती है। दोस्त, बताना चाहेंगे कि वो प्रेरणा जो है दोस्त, कि हर वो शख्स होता है जो अगर अच्छे राह पे चलता है, अगर अच्छे काम करता है, तो उसके जीवन में परेशानियां आना तो बहुत महज एक आम बात है। दोस्त, बताना चाहेंगे कि हर अच्छे इंसान का परीक्षा तो भगवान भी लेता है। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि अगर आप इन छोटी मोटी पर आप अगर इन कुछ दोस्त कुछ मिले ना मिले, मगर इस कहानी से एक प्रेरणा तो जरूर मिलती है कि हम अगर 6 महीना या कुछ साल तक अगर अपनी दर्द परेशानी को तकलीफ सह कर अगर पढ़ाई कर ले, या अपने गोल या लक्ष्य, अगर कोई बिजनेस में ही मन लगता है तो अगर अपना बिजनेस कर लें 6 महीना तक दर्द परेशानी सह कर, अगर हम तैयारी कर लें, तो आने वाले मेरे कुछ साल
आने वाली मेरी उम्र के जो कुछ साल बचे हैं वो मैं बताना चाहेंगे अपने फैमिली अपने बाल बच्चों के साथ अच्छे बिता सकता हूँ, अच्छे बिता सकता हूँ। जो दोस्त बताना चाहेंगे आपके परेशानी में इस बात से बड़ा तकलीफ कभी जीवन में नहीं आएगा, आपके जीवन में अगर इस बात से बड़ा तकलीफ आएगा कभी नहीं आएगा। दोस्त बताना चाहेंगे आपको कुछ सीखना है तो इस बात से ज़रूर सीखिएगा। दोस्त अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब भाई को ज़रूर करिएगा। दोस्त ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो आप लोग की कहानी की तौर पर लेकर आता रहूँगा आप लोग के पास। सो दोस्त थैंक यू थैंक यू।